बाल कुआ की कलम से तैयार पौध, ये देखिए, अगर इसका पेड़ आप लगाएंगे तो आपके पेड़ आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े, ये देखिए। बस इनको अब हम निकाल कर थैली में कर देंगे और कुछ किसानों के ऑर्डर हैं वो ले जाएंगे। ये मैंने 15 अप्रैल को लगाई थी इसकी कलम, और आज 2 माह में ये बस निकलने के लिए तैयार है। जो मैंने बांस की वीडियो बनाई है उन पर मुझे बहुत ही प्रशंसा मिली है और बहुत लोगों ने उसे सराहा है और ये कहा है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे उत्तर दिए हैं जो किसी भी वीडियो में नहीं है, और आपने बांस की सत्यता से हमें परिचित कराया है। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दिखाता हूँ बांस के बारे में कि आप भी उसे सुनकर दंग रह जाएंगे, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि बांस किस आदमी को लगाना चाहिए और किस आदमी को नहीं लगाना चाहिए, और बांस की खेती किस प्रकार करेंगे। ये 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो हमारा गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र है, ये जो नॉर्दर्न इंडिया का है, ये बांस के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। क्यों है? कि जैसा मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ की ज़मीन में नमी है और हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं जहाँ घास होता है वहाँ बांस होता है, वो काफ़ी हद तक सत्य नहीं है। घास अगर मर भी गया 4 साल 5 साल, जैसे दूब घास होता है, लेकिन अगर उसे जब भी पानी मिलेगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब भी आप बांस की खेती करें तो उसे खेती की तरह करें, जंगल की तरह मत करें कि आपने लगा दिया और छोड़ दिया, जो हो गया तो देखेंगे नहीं। अगर उसकी पहले 1.5 साल सही देखभाल करेंगे तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। पहली देखभाल क्या करनी है आपको, मैं दिखाता हूँ। ये मेरा मई के पहले हफ्ते में मैंने ये पेड़ लगाए थे, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेड़ हैं। ये येलो वलगरिस है, जो पीला बांस होता है, इसमें बहुत सुंदर हरी हरी धारी आती है। मैंने लगभग 8-9 तरह के बांस लगाए हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जब वो बांस की पौध लेने आए या बांस के बारे में जानकारी लेने आए तो मैं उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे दिखा सकूं। ये इतनी बढ़वार कैसे हो गई इसको? मेरे एक साथी हैं पराग लश्करे जी, उन्होंने बहुत बांस लगाए हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, मैंने इस पर भी ध्यान दिया है और इनमें पूरी कोशिश की है। आप देखिए, ये मैंने लगभग 4 फीट का एक नाली बनाई है, खाल बनाया है, ये मेरी बाउंड्री है। और ये जो मेरे किसान हैं मेरी बराबर में, इनसे मैं बहुत परेशान रहता था। हालांकि इस ज़मीन पर झगड़ा है, इसमें मेरा हिस्सा है लेकिन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इन्होंने यूकलिप्टिस लगाए, वो पॉपुलर लगाए हुए थे, जिसके सारे पत्ते मेरे खेत में गिरते थे और मेरे यहाँ जो नींबू की बाड़ थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पहला ये काम किया कि मैंने नींबू हटाया। तो मैंने ये नाली बनाई और इस नाली में मैंने यहाँ पर हर 6 फीट पर एक गड्ढा कराया 1 फीट का। जो वो गड्ढा कराया 1 फीट का, उसमें मैंने 1 किलो वर्मी कंपोस्ट और 1 किलो बोन मील डाला। मेरे पास बहुत अच्छा बोन मील है, अगर किसी भाई को चाहिए तो मंगा सकता है। और उसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिला दिया सारे में, और उसको गड्ढे में भर दिया। गड्ढे में भरने के बाद मैंने इसमें पानी चलाया 2 बार इस नाली में, और लगभग 15 दिन बाद मैंने इसमें मई के पहले सप्ताह में ये मैंने प्लांटेशन की। आप देखें कितने अच्छे बांस निकल रहे हैं। ये बांस है, ये तो इसका सपोर्टिंग पौधा है, ये बांस नहीं है, ये सपोर्टिंग पौधा है। ये जो सूट निकलती है ये बांस है। अब आप देखिए कि लगभग 1.5 माह में कितनी अच्छी इनकी बढ़वार है। इसका मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने धान लगाए हुए हैं, खूब पानी भरते हैं। पहले इस डोल से ये कभी भी उस तरफ ये तैयारी नहीं करते कि पानी हमारी तरफ आएगा, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो हमें नुकसान करना है। तो मैंने ये जो मेड़ बनवाई, और जितना भी जब भी ये पानी देते हैं तो इसमें से काफ़ी प्रचुर मात्रा में ये पानी देखिए मेरे यहाँ आ जाता है। इसको देखते रहिए आप, ये देखिए ये जो पानी है ये मैंने नहीं दिया है। तो जब भी ये पानी देते हैं तो इसमें कुछ शोर बुने बोलते हैं, छिद्र हैं, और उनसे पानी मेरे खेत में आ जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा। इस पेड़ को देखिए, अब
यहाँ पर मुझे बिना पानी दिए मेरे पेड़ कितने अच्छे चल रहे हैं, ये हुआ मुझे फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ, यहाँ पर पानी आ रहा है अभी भी, पास से दिखाइए इसको, ये देखिए ये उनके खेत से पानी आ रहा है, जबकि वो खेत नीचा है उसमें पानी भर रखा है, ये देखे कितना पानी आ रहा है। इस पानी से पहले मेरे नींबू की फसल ख़त्म हो गई थी, यानी जो मैंने बाढ़ पर नींबू लगाया हुआ था उसे पानी ज़्यादा मिलता था और वो लगभग ख़त्म। जब से बांस लगाए हैं तो ये बांस देखिए दिन दुने रात चौगने बढ़ते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया है जो लोग मेरे पास आते हैं कि लगभग एक फीट रोज़ बढ़ता है। देखिए कितने अच्छे बांस निकले हैं आप यहाँ पर देखिए, और पूरी लाइन में मैंने लगाए हैं। और ये तीन वैरायटी के बांस हैं, ये जो है बालकुआ है, ये येलो वलग्रिस है, और आगे मैंने टुलडा भी लगाया हुआ है इसमें। तो पूरी नाली में इसमें मैंने बांस लगाए हैं, और ये प्रबंध किया है कि जब भी पानी की कमी पड़ती है तो मैं इसमें अलग से पानी पूरे नाली में चला देता हूँ। तो पहला ध्यान ये रखिए कि बांस लगाने के लिए आपको खड्डा करना है, उसमें खाद देना है, उसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास देना है, चूँकि जो पहली जड़ें हैं वो सुरक्षित रहें, और उसके बाद पानी उसमें लगभग कम से कम तीसरे दिन देना ही देना है। जितना पानी देंगे उतने बांस अच्छे चलेंगे। लगाने का जो समय है हमारे क्षेत्र में, आप इसे अप्रैल में लगाइए, मार्च में लगाइए, मई में लगाइए, जून में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास पानी है। बरसात शुरू होने से पहले अगर इनमें पत्तियां आ गई तो बरसात में ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, तब भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहला काम, वो लोग बांस न लगाएं जिनके यहाँ पानी की कमी है। बांस चलेगा लेकिन वो 4 साल की बजाय 8 साल में तैयार होगा, उसका जो ये भिर्रा बनता है वो बहुत अधिक नहीं बनेगा। जब मैं महाराष्ट्र और ये वहाँ गया था, मध्य प्रदेश के इलाके में गया था, तो सभी जिनके भी बांस के बाग थे मैंने देखे थे, तो उनमें जो सूट निकलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सूट निकलते हैं यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये एक सूट है, ये छोटा सा, ये एक इधर सूट है, जितने भी सूट निकलते हैं ये उनके बहुत सूट मतलब सूखे हुए थे, और जैसे ही उन्हें हिलाते थे तो वो आपके हाथ में आ जाते थे। किसान साथियों, मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ, मेरे यहाँ आइए और जितने भी बांस लगे हुए हैं सब में आराम से घूमिए, आपको एक भी सूट ऐसा सूखा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास पानी कम है तो आप बांस थोड़ी मात्रा में लगाइए और किनारे पर लगाइए, जितना पानी दे सकें। पहले 100 पेड़ लगाइए, फिर 200 लगाइए, उनको होने दीजिए, पहले 1.5 वर्ष आपको पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास पानी की कमी है तो ड्रिप लगाइए, पर पानी उनमें चलते रहना चाहिए और शुरू में अधिक पानी दें, जब बरसात आ जाए पानी बंद कर दीजिए। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम ये हुआ कि हर 3 माह में अगर पौधा आपका पहला, जैसे मेरा ये पौधा है, ये हो गए, ये खाद लगने के लिए तैयार हो गए, इनमें थोड़ा DAP और पोटाश लगाइए और पौधे के चारों तरफ डालकर मिट्टी चढ़ा दीजिए। जितनी मिट्टी चढ़ाएंगे, खाद लगाएंगे, उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। कम से कम 4 महीने में एक बार अवश्य लगाइए। ये कार्य आपको 1.5 वर्ष तक करना है। अगर आप 1.5 वर्ष तक ये कार्य कर लेंगे, उसके बाद आपको पानी की बहुत कम आवश्यकता होगी, चूँकि पौधे बड़े हो जाएंगे, आप पेड़ के नीचे खड़े होंगे, आपको थोड़ी ठंडक मिलेगी, और जो ये बायोमास पत्ते गिरते हैं ना, इससे आपको कार्बन बहुत मिलेगा। उस सब को इकट्ठा कर जड़ में लगा दीजिए और पानी देते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 4 साल में पौधा तैयार हो जाएगा, बालकुआ बांस का बहुत अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा। मैं अब आपको जो मैं कह रहा हूँ उसका एक मतलब प्रमाण देता हूँ। आप ये देखिए, ये मेरा, मैंने ये खीरे की और लौकी कद्दू की है, क्योंकि अब अमरूद नींबू से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये बांस देखिए, बालकुआ बांस का है ये पौधा। मेरे यहाँ अब सितंबर में जो मैं बांस दिखाता हूँ सड़क के किनारे, वो 3 साल के होंगे। ये मैंने बांस काटे थे कुछ, तो मेरे ये कहने लगे कि जी ये जो बांस आप देख रहे हैं ये 35 रुपये का एक बांस मिला है मेरे को,
ये लंबी पोरी वाला है, टुलडा न्यूटन या कोई और है, ये स्टोक्साई नहीं है। तो जब मेरे बांस पड़े थे, इन्होंने कहा जी ये जो खूंटे हैं ये हम इसके गाड़ते हैं। आप देखें कितना मजबूत बांस है, ये 2 साल का बांस है, ये 2 साल का। 2 साल में एक बांस मुझे 30 फुट कम से कम लंबाई और 25 फुट वजन का, जो ग्रीन वजन होता है, वो मिला। और इतना मजबूत है ये कि आप पूछ नहीं सकते। तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे 4 साल में बहुत अच्छा बांस मिलेगा। एक भिर्रा मैं और दिखाता हूँ जो अभी सितंबर में 2 साल का होगा। आइए, ये देखिए, ये जो है ये बांस की सूट है, और इसे आप नाप लीजिए कम से कम 8 इंच से 12 इंच तक, 1 फुट तक रोज बढ़ता है। कुछ लोग आए मेरे पास, और जो एक मेरे मजदूर काम करते हैं वो कह रहे जी ये तो मेरे देखते देखते इतना बड़ा हो गया। ये बांस है एक्चुअली, और जब भी ये बांस निकलेगा इसमें एक चीज़ खास होती है कि ये बहुत कम होते हैं, जो जितना भी देर से निकलेगा ये इस तरह से इनमें नहीं होते जो पुराने वाले बांसों में होते हैं। और जितने भी मेरे यहाँ पर ये सूट निकल रहे हैं, इससे आगे और भी सूट है। ये देखिए ये कितनी अच्छी सूट है इसमें, ये वाले। लेकिन किसी में भी आपको सूखी हुई सूट नहीं मिलेगी। कारण एक ही है, ये वाला बांस कितना मोटा बांस है। ये देखिए, ये लगभग अगर आप देखेंगे ये अभी 10 से 12 फुट का होगा या 15 फुट का बांस होगा। ये मुश्किल से 20 दिन का बांस है। ये देखिए ऊपर तक जो पीला दिख रहा है। जितने भी हैं बहुत अच्छे बांस हैं, लेकिन इनकी मैं थोड़ी देख रेख करता हूँ, खाद भी लगाता हूँ और पानी इनमें चलता रहता है। किसान साथियों, अगर बांस के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, फ़ोन पर देना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। आप मेरे फार्म पर आइए, विभिन्न प्रकार के बांस दिखाऊंगा और आपको वो जानकारियाँ दूंगा कि जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पौधे मेरे पास भी हैं, बहुत पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, और लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि मैं जानकारी तभी दूंगा जब मुझसे पौधे खरीदें। ये आप कहीं से भी खरीदें, ये निर्णय आपका है। तो बांस की खेती अब किस प्रकार शुरू करें? अगर आपने सोच लिया कि मुझे बांस लगाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी बाउंड्री पर 4 फीट की इस प्रकार नाली बनाइए, और वहाँ ये इंतज़ाम करिए जब भी आपके पास एक्सेस वाटर हो या थोड़ा हो उस नाली में छोड़ दीजिए। उसका इंतज़ाम करिए, गड्ढा खोदिए, थोड़ा खाद लगाइए, बांस के पौधे लगाइए और पानी देते रहिए। जब आपको 2 साल में आपको पूरे परिणाम मिल जाएंगे, आप उसे 1 एकड़ में बढ़ा दीजिए, 2 एकड़ में बढ़ा दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधे कितनी दूरी पर लगाएं। कभी भी 1 एकड़ में अधिक से अधिक मैं कह रहा हूँ 400, बहुत ही ज़्यादा, आपको नहीं मान रहा आपका मन, 450, इससे ज़्यादा पौधे मत लगाइए। जो इस प्रकार के ज्ञान देते हैं कि इतने पौधे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, ये सिर्फ उतना ही सत्य है जितना कि हाई डेंसिटी में नींबू और अमरूद के लिए सत्य है। इतनी दूरी कम से कम होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 12x10, इससे कम पर मत लगाइए। बहुत ही ज़्यादा आपको करना है तो 12x8, इससे कम मत लगाइए बिल्कुल भी, और आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। थोड़ा सा जगह निकालिए, अपनी बाउंड्री पर लगाइए। हाँ, बाउंड्री पर लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में न लगाइए। हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पर मैंने एक बात देखी है, आप किसी की बाउंड्री पर ऐसा पेड़ नहीं लगा सकते जो 10 फीट से ऊँचा हो, वहाँ पर बैन है। आप उसे 10 फीट इधर लगाइए। किसान मेरे पास आए थे, कहते जी मैं तो 12 फीट छोड़ दूँगा। आप लगाइए, वो आपको देखना है कि आपके जो पड़ोसी किसान है अगर वो आपको नुकसान नहीं कर रहा, तो आपको भी ये नहीं सोचना है कि आप उसका कोई नुकसान होने दें। अपने क्षेत्र में लगाइए, और थोड़ी सी जब बाउंड्री पे लगाए नीचे से काट छाट कर दीजिए, आपकी बाउंड्री बनेगी, जानवर नहीं आएंगे, आपको स्प्रे कोई नहीं करना है इसमें, बीमारी ना के बराबर होती है इसमें। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं मिली, अगर आप पानी प्रचुर मात्रा में देंगे बाउंड्री फ्री में बनेगी आपकी। हाँ, बाउंड्री पर लगाते टाइम
आप इनकी डिस्टेंस 6 फीट की कर दीजिए, यानी पौधे से पौधा 6 फीट पर, ताकि हमारा जल्दी मिल जाए। फिर वो आपका होरिजेंटली बढ़ना शुरू होगा, यानी इस तरफ को बढ़ना शुरू होगा पौधा। किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी इस बेस पर आधारित कि हाँ, ये जो है ना आपका किस प्रकार, अगर आपको लग रहा है बांस की खेती कर सकते हैं, कितनी दूरी पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आपको इसमें क्या सावधानियां बरतनी है। हाँ, कहते हैं इससे ऑक्सीजन मिलती है, ये मिलती है, ऑक्सीजन सभी पौधों से मिलती है, इससे थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी देखना है कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। बात तब सही है मुझे फ़ायदा हो और दूसरे को ऑक्सीजन मिले, लेकिन दूसरे को ऑक्सीजन देने के लिए मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं उसमें बांस ही बांस लगाकर छोड़ दूँ उसमें, या मैं कोई इस तरह का काम करूँ। ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति बांस पर, जो मेरे प्रयोग पर आधारित है। अगर किसी आदमी को कोई शक है, आप मेरे पास आ सकते हैं, एक रात रुक भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे पूरा समय दूंगा, हर बात समझाऊंगा। पौधे आप कहीं से भी लें, आप बांस शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।